हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेली सावलिया और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल RS ऑटोमोटिव। तो आप मेरे एक्सप्रेशन से मेरी खुशी को समझ सकते हैं। तो हाँ, फाइनली मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। फाइनली मेरा एक टाइम पे एक सपना था कि मैं अंडर 18 में एक लाइसेंस निकलवाऊँ या फिर एज सून एज पॉसिबल मैं लाइसेंस निकलवाऊँ। फाइनली मेरा लाइसेंस आ चुका है। इतनी ज़्यादा खुशी की दो वजह है। एक तो क्योंकि बाइकर हूँ एंड बाइक्स को इतना ज़्यादा लव करता हूँ, तो मेरे लिए लाइसेंस की काफ़ी ज़्यादा अहमियत है। एंड दूसरी ये चीज़ कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुझे धक्के खाने पड़े, काफ़ी ज़्यादा ट्रेजेडीज हुई एंड काफ़ी दिक्कतों के बाद जो है वो मुझे लाइसेंस मिला है। तो उस वजह से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो फाइनली मैं आपको जो है अपनी लाइसेंस की स्टोरी बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो है लाइक 4-4.5 महीने का टाइमिंग था। इसमें मेरे साथ काफ़ी सारी चीज़ें हुई, काफ़ी अच्छी चीज़ें भी हुई, काफ़ी बुरी चीज़ें भी हुई। तो सारी स्टोरी बताऊंगा और अंडर 18 में मैंने लाइसेंस लिया है, तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी जो है वो बताऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या मैंने लाइसेंस अंडर 18 में निकलवाया, यानी कि MCWOG कैटेगरी में मैंने लाइसेंस निकलवाया। तो क्या मुझे RTO की साइड से कोई दिक्कत हुई या फिर नहीं, उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि मैंने जब 2-3 एजेंट से पता किया गया था कि क्या इस तरीके का कोई लाइसेंस निकल सकता है, तो उनमें से मुझे 50% ऑफ एजेंट्स ने यही आंसर दिया था कि ये लाइसेंस नहीं निकल सकता। तो फिर मैंने जो है वो रिसर्च की, मुझसे जितनी हो सकती थी ऑनलाइन थोड़ी बहुत मैंने रिसर्च की। ऑनलाइन इतनी ज़्यादा क्लेरिफाई चीज़ें नहीं थी, एक दो लोगों की वीडियोस थी, जैसे धार्मिक राइडर वगैरह जैसे लोगों की मैंने वीडियोस देखी, वो थोड़ी सी वीडियोस ने मुझे हेल्प की। एंड बाद में मैंने जो है वो ऑनलाइन अप्लाई कर दिया। RTO में जब टेस्ट देने गया तो मुझे लगा कि शायद मैं एक ही ऐसा होऊंगा जो कि शायद अंडर 18 के लिए अप्लाई कर रहा होऊंगा, या फिर बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो कि अंडर 18 के लिए अप्लाई करते होंगे। बट ऐसा नहीं था। मैं वहाँ पे गया, काफ़ी सारे लोग मुझे मिला है जो कि 18 अप है, फिर भी उन्होंने MCWOG के लिए अप्लाई किया है, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक्टिवा ही है चलाने को या फिर अदर कोई और स्कूटर है चलाने को। तो हाँ, MCWOG के वहाँ पे MCWOG के लिए वहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे। एंड RTO की साइड से भी मुझे कोई दिक्कत नहीं हुए, मैं गया, टेस्ट जो है उन्होंने मुझे परफॉर्म करने दिया। तो हाँ, ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि RTO की साइड से कोई दिक्कत थी। शायद आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दे तो आपको दिक्कत हो सकती है, बट कोई बड़े शहर का जो अगर RTO होगा तो शायद आपको दिक्कत तो नहीं ही होगी। शायद कुछ छोटे शहरों में ये लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से शायद ये दिक्कतें हो सकती हैं, बट बड़े शहरों में नहीं होगी। तो ये हुआ मेरा अंडर 18 का एक्सपीरियंस। अब आपको मैंने बताया कि मैं जो है वो 4 बार RTO में गया था, तो उसकी जो है वो ट्रेजेडी या फिर उसकी स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ। तो जनरली क्या होता है कि लाइसेंस के लिए आपको 2 ही बार RTO जाना पड़ता है। अगर आप जनरली देखते हैं तो यही चीज़ें होती है कि एक बार लर्निंग के लिए जाना पड़ता है एंड एक बार फाइनल DL के लिए ही जाना पड़ता है। तो जनरल पीपल को 2 ही बार जाना पड़ता है। अब मैं 4 बार क्यों गया उसकी बात कर लेता हूँ। सबसे पहले लर्निंग के लिए जब मैं गया, मैंने चूज़ किया था एक ITI कॉलेज, कामरेज ITI करके एक कॉलेज था, वो मैंने चूज़ किया था। RTO से भी निकल सकता है, बट ये जो ITI कॉलेजेस थी वो बहुत ज़्यादा जल्दी की मुझे अपॉइंटमेंट्स दे रही थी। तो जब मैं पहली बार गया तो उनके वहाँ पर मुझे 5-6 घंटे बिठाया गया, बट वहाँ की जो सिस्टम होती है ऑनलाइन सिस्टम, उसका सर्वर डाउन था। इस वजह से पहली बार में मुझे लर्निंग लाइसेंस नहीं मिला। एंड फिर से जो है वो दूसरी बार मुझे अपॉइंटमेंट दी गई, जो कि थी अगेन 1 महीने के बाद, यानी कि सिर्फ लर्निंग लाइसेंस आने में ही जो है वो मुझे अप्लाई करने के बाद 2-2.5 महीने का टाइम लग गया।
एंड लर्निंग लाइसेंस के लिए जब मैं दूसरी बार गया तो उस बार एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। सिर्फ शायद 10-1 मिनट का ही काम होगा, 10 मिनट में उन्होंने मुझे अपना जो लर्निंग लाइसेंस है वो भी उन्होंने मुझे दे दिया। तो हाँ, दूसरी बार गया तब इतनी दिक्कत नहीं थी, बट पहली बार जो है वो मुझे फोकट में ही जाना पड़ा। एंड ये जो है वो लर्निंग लाइसेंस की बात है। अब स्टोरी शुरू होती है DL से। अब DL के लिए जो मुझे अपॉइंटमेंट मिला था उसमें पहली अपॉइंटमेंट में मैं गया। DL के लिए भी मैंने 2 अपॉइंटमेंट्स जो है वो परफॉर्म की थी। पहली अपॉइंटमेंट में मैं गया एंड वहाँ पे चीज़ क्या होती है कि मैं फेल हो जाता हूँ। लाइक इस बार RTO की गलती नहीं थी, इस बार मेरी पर्सनल गलती थी, मैं फेल हो जाता हूँ। एंड ये चीज़ जो है वो दिमाग में कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी उस टाइम पे कि मैं अपने आप को बाइकर बुलाता हूँ एंड मैं जो है वो एक बहुत ईजी सा जो है वो टेस्ट भी पास नहीं कर पाया। बट धीरे धीरे जो है वो मैं अपने दिमाग से कहने लगा कि कुछ नहीं, क्या हो गया, अगली बार टेस्ट दे दूँगा। एंड हाँ, थोड़े दिनों तक ऐसा लगा कि यार क्या ही हो गया, मैं पूरी दुनिया को बताता हूँ कि मैं एक अच्छा बाइकर हूँ, मैं हेलमेट पहनता हूँ, अच्छे से गाड़ी चलाता हूँ। एंड अगर अब किसी को पता चला कि मैं सिर्फ एक RTO के टेस्ट से नहीं निकल पाया, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है, तो लोग क्या ही सोचेंगे और क्या ही बोलेंगे। तो हाँ, ये सारी चीज़ें हुई, बट धीरे धीरे मैंने अपने आप से कहा कि कुछ नहीं, हो जाएगा। एंड मैंने जो है वो फिर से दूसरा अपॉइंटमेंट लिया एंड दूसरे अपॉइंटमेंट के लिए मैं जब गया तो हाँ, मैं पास हो गया। एंड दूसरी बार जब मैं गया तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से जो है वो मैं पास हो गया। बहुत कम टाइम में, less than 20 seconds में मैंने जो है वो पूरा टेस्ट कंप्लीट कर दिया एंड पास भी हो गया। तो हाँ, ये चीज़ है, 2 टेस्ट देने पड़े एंड फाइनली जब मेरे हाथ में मुझे पता चल गया कि मैं पास हो गया तो खुशी एकदम अलग ही लेवल की थी। मैंने टेस्ट दिया था 23 सितंबर को और वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट डल रही है, उसका भी एक रीज़न है कि मैंने इससे आगे एक वीडियो शूट की थी बट उसमें कुछ कमी आने की वजह से फिर से मैंने ये वीडियो जो है वो शूट की है। तो अब जो है यहाँ से थोड़ा सा यू टर्न ले लेते हैं। तो हाँ, खुशी तब भी उतनी थी एंड आज भी उतनी ही है। तब उस टाइम पे मेरे पास फिज़िकल लाइसेंस नहीं आया था, इस टाइम पे मेरे घर पे जो है वो फिज़िकल लाइसेंस भी मैंने रिसीव कर लिया है, बट मैंने कैरी नहीं किया। मैं ज़्यादातर बार जो एम परिवहन की एप्लीकेशन है उसी में लाइसेंस को कैरी करता हूँ, क्योंकि ओरिजिनल लाइसेंस अगर खो जाता है तो दिक्कतें हो सकती है। तो हाँ, मैं उसकी फ़ोटो जो है वो स्क्रीन पे डाल दूँगा अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को जो है वो हाइड करने के बाद। तो हाँ, ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई मेरे साथ। एंड फाइनल काफ़ी टाइम से ऐसा मैं सपना देखता था कि हाँ, मैं भी लाइसेंस निकलवाऊँगा एंड मैं भी जो है वो ऑल इंडिया राइड्स पे जाऊँगा। तो हाँ, अब क्योंकि फाइनल लाइसेंस आ चुका है तो ट्राई करूँगा कि जब तक पेरेंट्स परमिशन देंगे तो उसके बाद में जो है वो मैं ट्राई करूँगा कि कहीं पे जाऊँ लॉन्ग राइड्स पे। आपसे एक सपोर्ट चाहिए था, अगर आपसे हो सके तो जल्दी से मेरे 1000 सब्सक्राइबर करवा दीजिए, क्योंकि आपको पता ही होगा कि 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद जो है वो मोनेटाइजेशन मिल जाती है। तो मोनेटाइजेशन मिल जाएगी तो राइड पे जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। तो प्लीज़ अगर आपसे हो सके तो वो चीज़ कर दीजिएगा। बाकी अभी जो है वो मैं थोड़ी सी राइड को एंजॉय करता हूँ एंड मिलता हूँ आपसे वीडियो के एंडिंग में। तो बस यही था आज की वीडियो के लिए। तो ये बात काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी एंड मैंने सोचा अगर मेरी YouTube फैमिली ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है तो उनको भी ये खुशखबरी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड चैनल पे सपोर्ट दिखाइए थोड़ा। तो मिलते हैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।